अब ये जो तीसरी बार जो आएंगे ये दोनों बार से भी ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। और जब मन को आप स्थिर कर लेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देश में लोकसभा चुनाव के लिए अब 3 महीने से भी कम समय बचा है। फरवरी या मार्च में कभी भी देश में आम चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसी बीच लखनऊ के मशहूर मंदिर चारोधाम के महंत सियाराम अवस्थी ने भविष्यवाणी की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम बनेंगे, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। इस बार वह पिछले 2 बार से ज्यादा प्रभावशाली होंगे और बड़ी बहुमत से जीतेंगे। यह भविष्यवाणी महंत जी ने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की है। ज्योतिषी गणना के अनुसार फरवरी महीने में कई ग्रह गोचर कर रहे हैं। सियाराम अवस्थी ने बताया कि 9 फरवरी को अमावस्या है। इस दिन चंद्रमा अपने नए चरण में प्रवेश करेगा, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के सामने जो चंद्रमा का भाग है वह सूर्य के प्रकाश से दूर रहेगा, जबकि अमावस्या के दौरान चंद्रमा स्वयं दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा 14 फरवरी को गुरु और मंगल ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे। 25 फरवरी को लगभग रात में 11:35 पर गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के 3 डिग्री के भीतर से गुजरते हुए बेहद करीब आएंगे। ये जो खगोलीय घटना आप देख रहे हैं या आने को है, ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही अलौकिक और दुर्लभ है। और भगवान का मंदिर आपने देखा बनी गया है, परस्पर जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना। भगवान रामचंद्र जी के आ जाने से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और ये जितने भी ग्रह हैं, ग्रह रूपी शुक्र है, मंगल है, आपका गुरु है, ये सब एक पास आने से आपस में पारस्परिक प्रेम की बढ़ोतरी होगी। दिन प्रतिदिन 2024 जो आएगा, इसमें आकाशीय जितनी भी खगोलीय घटना घटेंगी वो सब मानव जीवन पर प्रभाव डालेंगी पारस्परिक प्रेम का, ना कि कोई ऐसी दुर्घटना का। वो सब के लिए, वो चराचर जगत के लिए भी अच्छी होगी, कोई भारतवर्ष के लिए ही नहीं, उसमें जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी सभी शामिल होंगे, सबके लिए हितकारी ही ये खगोलीय घटना होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको वैज्ञानिक अपने तौर से देखेंगे, धर्म के लोग अपने तौर से देखेंगे, लेकिन जब धर्म के तौर पर आप देखेंगे तो जो भी ग्रह नक्षत्र है, शुक्र है, चंद्रमा के करीब आएगा, पारस्परिक प्रेम बढ़ाएगा, और गुरु जो आएगा वो विद्वान लोगों को, मतलब विद्वानता वाली बातें कराएगा, अदर बातें नहीं कराएगा, सोच समझ के बातें लोग करेंगे ताकि आपस में कटुता ना हो। और बहुत ही ये दुर्लभ क्षण है 2024 के, और आगे भी अब बहुत ही दुर्लभ क्षण आने वाला है इस खगोलीय घटना के द्वारा। हाँ, जिसका चराचर जगत में, भारतवर्ष में तो है ही है, पूरे चराचर जगत में प्रभाव उसका पड़ने वाला है, अच्छाई वाला। जैसे भी आपने देखा बताया कि आपने पूरे इसमें गणना की तो पाया यही कि प्यार बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे बढ़ेगा, ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी जिससे आपस में मानव जीवन को कष्ट पहुँचे, चाहे वो देश का हो, विदेश का तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर क्या स्थिति है, लेकिन अपने भारतवर्ष का जो ये है, सनातन धर्म के अनुसार जो ये ग्रह नक्षत्र हैं उसके अंतर्गत प्रेम ही प्रेम बढ़ने वाला है इन खगोलीय घटनाओं के द्वारा। हमारे वैज्ञानिक जितना रिसर्च कर रहे हैं उन सबको भी साधुवाद, जो ये सब करके दिखा रहे हैं भारतवर्ष को, वो अच्छा ही की तरफ जाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी ग्रहों की थोड़ी थोड़ी खासियत बता दीजिए, गुरु मंगल और चंद्रमा है। और देखिए, जो मंगल है वो विजय का प्रतीक है, वो चाहता है विजय प्राप्त हो, तो आपको विजय मिली और आगे भी विजय मिलने वाली है मंगल ग्रह के द्वारा। और जो गुरु है वो विद्वान है, वो अपनी विद्वानता से ऐसा जो कह सामने रख देगा, चैप्टर विषय रख देगा जिसको कोई काट नहीं पाएगा, वो चाहे हमारे न्यायाधीश हों और चाहे सामने वाले हों, मतलब वो भगवान का उतनी कृपा वैसी हो ही जाएगी, उस गुरु की कृपा हो जाएगी जिससे लो बाड़ी जो है वो अलौकिक बाड़ी हो जाएगी, जिसकी कोई काट नहीं होगी। अगर कोई कुतर्क भी करेगा तो वो कुतर्क वहाँ फेल हो जाएगा। हाँ, ये ऐसी ही घटना गुरु के द्वारा जो सुसंकृत विद्वान सबको बनाता है। हाँ, बस थोड़ा घमंड नहीं रखना है, क्योंकि घमंड करेंगे तो कुछ थोड़ा ऊपर नीचे बैलेंस होगा, पर वहाँ पर कि अपने आप को चंद्रमा साथ में आया है, चंद्रमा का मतलब होता है मन, और जब मन की स्थिति आपकी कंट्रोलेड रहेगी शुक्र ग्रह के द्वारा, क्योंकि वो शुक्र ग्रह जो है वो आपको चंद्रमा यानी मन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जब देगा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं आपके मन की कोई चीज़ भाग गई तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी,
वो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, वो आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि वो जो ग्रह एक साथ आ रहे हैं, वो एक साथ आने का मतलब क्या है, जैसे आपका वैलेंटाइन डे आ रहा है तो इसमें एक दूसरे को जो प्रेम करते हैं ये किस लिए करते हैं, यही चीज़ें तो आ रही हैं, ये प्रेम की ही चीज़ें आ रही हैं, ये आपस में बहुत अच्छी चीज़ है, ये खगोलीय घटना जो है ये एक दैवीय शक्ति है। यानी ये भी कह सकते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो भारत के लिए, भारत दूसरे देशों पर हावी रहेगा। हाँ बिल्कुल हावी रहेगा, और भारत देश जो अपना है महान देश है, और ये शुरू से रहा है, बीच में लोग भूल गए, उतना कर नहीं पाए, लेकिन जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधमानी, और जब भगवान के ऊपर या पृथ्वी माता में जब सब कोई संकट होता है तो कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है, और जन्म लिए हैं वे हैं, बस सामने नहीं आ पाते थे, और अब जब सामने आ गए हैं तो ये भारतवर्ष का ही नहीं पूरे चराचर जगत में इसका प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ने वाला है, पड़ने वाला है। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल भी हावी रहेंगे सभी देशों पे और हमारे देश का विकास होगा। अब ये जो तीसरी बार आएंगे, तीसरी बार जो आएंगे ये दोनों बार से भी ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। अच्छा, यानी आपने मतलब ये कह दिया कि कन्फर्म है आ सकते हैं। कन्फर्म बिल्कुल, वो तो वहाँ कोई संदेह नहीं, जैसे हम अपने प्रभु पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहू असोते ही मिलाई न कछु संदेहू, जब हमको पूरा उनके ऊपर आस्था है, विश्वास है, आप पे ही जैसे भरोसा है, आप खट से आ गए, तो वो चीज़ होनी ही होनी है। यानी नरेंद्र मोदी जी इस साल भी जो प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में जीतेंगे बहुमत से आएंगे। और आपको मैं बताऊँ, राम जी की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम जी अपने दरबार में आ गए, और जब दरबार में आ गए तो वहाँ भरत भैया भी आ गए, और भरत भैया जहाँ होंगे, भरत भैया जहाँ होंगे, भरत का मतलब भारतवर्ष, भारत माता, वो एक स्त्री रूप भी है, ये रहस्य है, भरत एक स्त्री रूप भी है, यानी भारत माता है, तो जहाँ पर भरत होता है तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, भरत भैया आ गए हैं पूरे विश्व का भरण पोषण करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ में आपके शत्रुघ्न भैया भी आए हैं, और शत्रुघ्न भैया जहाँ आ जाते हैं तो जितने भी दुश्मन होते हैं, जितने भी शत्रु होते हैं, वो सब पलायन कर जाते हैं। पलायन कैसे करेंगे, जब हम उनका नाम लेंगे, जब हम उनके नाम का संबोधन करेंगे, तो जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो रोग रूपी हो, चाहे वो मतलब ऐसे दूसरी कंट्री के रूप में हो, वो सब पलायन कर जाएंगे कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जहाँ पर शत्रुघ्न भैया होंगे वहाँ शत्रु पलायन निश्चित कर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सबकी जो रामराज की जो कल्पना है, ये खगोलीय घटना जो हो रही है या होगी, ये उसी के ही आधार पे आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए सूर्य भगवान आपके ब्रह्मांड को पूरा कंट्रोल करते हैं, गुरु भगवान पूरा जीवन यापन करने के लिए व्यवस्था करते हैं, और जो चंद्रमा है वो मन को अपने स्थिर रखता है, और जब मन को स्थिर रखता है, क्योंकि मन तो होता है चंचल, और जब मन को आप स्थिर कर लेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, और प्राप्त होता हुआ आया है अब तक जिन जिन ने अपने को कंट्रोल किया है, जैसे ऋषि मुनि हैं, वो क्या अपने मन को ही तो कंट्रोल करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और जब इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया जाता है तो वो जितेंद्रिय हो जाता है, चीज़ों को जीत लेता है। तो ये जो चारों चीज़ें आ रही हैं, मंगल है, शुक्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब मिल करके भारतवर्ष के लिए एक अद्भुत घटना का निर्माण कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।